नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मंगलवार को इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें थानावार पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। लंबित प्रकरण निपटाने में जिन थानों का प्रदर्शन खराब रहा, उन्हें फटकार लगाने के साथ ही 2 दिन में प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए। साल 2020 के अंतिम माह में इंदौर डीआईजी का प्रयास है कि पुराने सभी प्रकरण का निराकरण हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को नए पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी और सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे। डीआईजी ने सभी से निलंबित प्रकरणों को लेकर चर्चा की। इस दौरान कई थानों की कार्यवाही से डीआईजी संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। डीआईजी के अनुसार समीक्षा बैठक में थानों में हुए अपराध, महिला संबंधी अपराध के पेंडिंग मामले, एससीएसटी से संबंधित प्रकरण, थानों में स्थायी वारंटी से संबंधित मामलों की थाना वाइज समीक्षा की गई। जिन थानों में प्रदर्शन अच्छा नहीं पाया गया, उन्हें 2 दिन का समय दिया गया ताकि वह साल के अंत में सभी लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करे। आज मुख्य तौर पर एक समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में साल भर के वो तमाम मुद्दे जो कि पुलिस के सामने एक चुनौतीपूर्ण रहे थे, उन पर समीक्षा की गई। हम जानते हैं कि इस वर्ष लगभग हर तरह के मामलों में कमी आई है। अगर हम लॉकडाउन के उस अवधि की बात करें तो उस दौरान अगर हम साइबर क्राइम की बात छोड़ दें और मुक्त परिवार संबंधी छोटे झगड़ों की बात छोड़ दें, तो हर तरह के अपराधों में लगातार गिरावट आई और पुलिस ने जो कुछ भी घटनाएं घटी उन घटनाओं पर बड़ी तत्परता से कार्रवाई की। अगर मैं पूरे अगर कुछ महीनों का बात करूं, जिक्र करूं, तो शुरुआती दौर में जिस तरह की लॉकडाउन खत्म होने के तत्काल बाद बैंक डकैती से संबंधित या कुछ लूट से संबंधित कुछ घटनाएं हुई थी जो कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन तत्काल उसमें मुठभेड़ में पुलिस ने न सिर्फ उस गैंग का पर्दाफाश किया बल्कि लगभग हर प्रॉपर्टी ऑफेंस का जो कि शहर के लिए चुनौती थी, पुलिस ने उसको अच्छे ढंग से पर्दाफाश किया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पुलिस के लिए चुनौती रहीं, जैसे कि रमेश साहू हत्याकांड या फिर बीच में अभी अगर देखें तो फिर दोहरा हत्याकांड। ये शहर की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो तत्काल जिसमें कार्रवाई अपेक्षित थी और पुलिस ने उसके अनुरूप लगातार मेहनत करके उन सारे मामलों का लगभग पर्दाफाश भी किया। शहर के उन तमाम बड़े अगर हम भूमाफियाओं का जिक्र करें जिसमें 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के ऐसे फरारी बदमाश थे जो कि 1 साल से ज़्यादा समय से फरार थे, उनको भी पुलिस ने बड़ी संख्या में पकड़ा। साथ ही साथ जो जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स थे, लगभग 80 से ज़्यादा पिस्टल्स एक साथ में, उसके अलावा 100 से ज़्यादा अगर टोटल देखें तो इनकी संख्या है, उनको पकड़ा गया। लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की पहली बार ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के सट्टे के व्यापार का खुलासा हुआ, जिसमें 1 करोड़ 31 लाख रुपये नकद थे और 1 करोड़ 50 लाख उनके खातों से सीज किए गए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अतिक्रमण संबंधी जो बड़ा जो अभियान था वो दूसरे चरण में अभी जो शुरू हुआ, इसमें भी बड़े जो अतिक्रमण करने वाले जो बड़े अपराधी थे उसमें भी बड़ी संख्या में उनके अतिक्रमण को तोड़ा गया है। इट ड्रग्स के मामले में भी उनके सभी के संपत्तियों की तलाश की जा रही है, सभी के संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें 2-3 लोगों की संपत्तियों की पुष्टि हो गई है, जिनके बारे में अगले आने वाले 2-3 दिनों में आपको जानकारी मिलेगी उस कार्रवाई के बारे में। तो पुलिस का पूरा अगर हम इस पूरे अवधि की बात करें तो उन सारे अपराधों के साथ साथ आज की बैठक में मुख्य तौर पर जो महिला संबंधी अपराध हैं, महिला संबंधी अपराधों के जो नेचर, उसमें जो पेंडिंग जो मामले हैं, साथ ही साथ जो SC ST के कुछ पुराने मामले, जो पुराने लंबित मामले थानों में, जो वारंट और जो अस्थायी वारंट संबंधी जो कुछ मामले हैं, उन सारे मामलों को पुलिस ने अलग अलग थाना वाइज थाना के हिसाब से उनकी समीक्षा की गई। जिन थानों में प्रदर्शन अच्छा नहीं पाया गया उनको 2-3 दिन का समय दिया गया है, 2-3 दिन के बाद फिर इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि इस साल के अंत तक जो उनकी पेंडेंसी है, जो लंबित मामले हैं, उनका तेजी से निराकरण कर सकें। इसमें अलग अलग कई मामले हैं, उसमें 8-10 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। उसमें अगर हम देखें तो कुछ मामले कुछ क्षेत्र में कोई ऐसा थाना नहीं था जो सभी क्षेत्रों में अच्छा हो या कोई सभी क्षेत्रों में फिसड्डी हो। मुख्य तौर पर अलग अलग 9 से 10 मानक रखे गए थे, जिसमें कुछ थानों में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस पाया गया। इसके बारे में डिटेल्स थाना वाइज अभी जो अगली जो बैठक होगी जिसमें थानों को अलग अलग निर्देशित किया गया है, उस मीटिंग के बाद हम डिटेल्स में उसकी सूची जारी करेंगे किसने किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और किसका साल में प्रदर्शन खराब रहा है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।